हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों तो सुबह से कोई भी वीडियो जो है कि शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कल जो है कि कलश उठाए थे तो थकान सी हो गई थी, इस वजह से सुबह कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। और जो है कि अभी आप सभी से मिल रहे हैं। घर का जितना भी डेली का काम था, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है और नहा भी ली हूँ। और अभी चलती हूँ घर में, पहले पूजा करूँगी, उसके बाद जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। तो चलते हैं पूजा करते हैं, और अभी सब लोग मंदिर जाएंगे हम लोग। बर्तन सब धो के रखे हैं, चलते हैं पूजा करते हैं। आज मंदिर ले जाना है क्या? मंदिर जाओगे? तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्या? आए कुछ खाने, भूख लग गया है। कल ये भी थक गया है, क्योंकि ये भी मेरे साथ में ही था। चलते पूजा कर लेते हैं। पूजा तो हमारी हो गई है घर में। इधर लक्ष्मी फूल को देखिए किस तरह प्लेट में सजा दी है। और घर में पूजा कर लिए हैं, और अभी जो कि पूजा करने के बाद बनाई हूँ नाश्ता, और दोनों को दी हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ये लोग को भूख भी लग गया था। 10 बजने ही वाला है। और यहाँ खाना बनने के लिए भी रखी हूँ चावल और दाल, इसी में आलू डाल दी हूँ। दाल चावल चोखा सिंपल, लहसुन प्याज आज तो नहीं बनाने के लिए, आज शिवरात्रि है तो दाल चावल चोखा सिंपल बनाएंगे, और प्याज वगैरह नहीं। देखते हैं मंदिर जा पाते हैं ही नहीं। मंदिर जाएंगे तो आप सभी को वीडियो ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लेट हो गया है बहुत। अगर जा पाएंगे मंदिर तो फिर भी आप सभी के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो फाइनली गाइस जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए, और लेट तो काफ़ी हो ही चुका है, शिवरात्रि किए हुए हैं। और आज ना अंकुश के पापा जो है कि शिवरात्रि किए हैं फर्स्ट बार मेरे साथ में, नहीं तो पहले कभी भी नहीं किए थे ना जी। आपको लगता है हो गया लगभग? इधर आके बोलिए। शादी के पहले बहुत सब शिवरात्रि किए थे, और शादी के बाद फर्स्ट टाइम जो है कि मेरे साथ में शिवरात्रि कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? पहले क्यों किए थे और अभी क्यों कर रहे हैं बताइए? ये गुप्त कोड है। गुप्त कोड है, नहीं बताएंगे। तो चलिए जब मिलते हैं आप सभी मंदिर में, यहाँ ले लिए फूल भी ले लिए उसके पापा, और पूजा का सामान ले लिए हैं पूजा करने के लिए। खाना बना दिए हैं अंकुश और आंश के लिए, क्योंकि लक्ष्मी भी तो जा रही है, पूजा करके आएगी तो फिर खाएगी। तो चलते हैं मंदिर। ओम भरा
हरे महादेव तेरा स्वामी जी की सुंदर गारे ससुरा नंद स्वामी मन भगत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर हर हर। तो फ्रेंड्स शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो हर मंदिर में बहुत ही भीड़ है, लेकिन हम स्टेशन के पास ही पूजा कर लिए, जहाँ से हम कलश उठाए थे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, पूजा कर लिए थे अच्छे से। लेकिन यहाँ जो पुराना मंदिर हम आए हैं, बहुत प्रचलित मंदिर है, बहुत पुराना ही, और यहाँ पर दर्शन हमें नहीं हुआ क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पर ना मेला लगता है हर साल, तो मेला हम लोग यहाँ पे घूम लिए और थोड़ी सी ही वीडियो बनाए, ज़्यादा वीडियो बनाने का भी मन जो कि नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग को भी तो अपडेट देना है हमें, तो थोड़ी देर ही यहाँ पे हम रहे थे और मेला थोड़ी देर भी हम घूमे थे, ज़्यादा तो नहीं घूमे थे, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी। मैं क्यों मेला ना जाऊँ और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अभी जो है ना 1 बज चुके थे और घर आते थे तो हमको 1:30 बज गया, और अंकुश पापा भी जो है कि महाशिवरात्रि का व्रत किए हैं और मैं भी की हूँ, तीनों बच्चे बस नहीं किए हैं, और अंकुश पापा का फर्स्ट शिवरात्रि मेरे साथ में हो रहा है 15 साल के बाद। पहले वो किए थे लेकिन शादी के बाद फर्स्ट बार मेरे साथ शिवरात्रि कर रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घर और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि कल कलश मैं उठाई थी तो मेरा उपास था और आज भी है, तो 2 दिन का हो गया है इस वजह से। और न मैं कहीं भी पानी अभी नहीं पी हूँ, घर जाऊँगी उसके बाद शरबत वगैरह पीऊँगी और अंकुश पापा को भी पिलाएंगे। तो अभी जो है कि हम अपना क्वार्टर मतलब पहुँचने वाले हैं, ये है हमारे क्वार्टर का जो कि एरिया, तो अभी हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। हमारी वीडियो कैसी लगती है आप सभी को, आप सभी ज़रूर बताइएगा। और मैं घर आ चुकी हूं, तो यहां पे कुछ वजह से हमें म्यूट करना पड़ा था और 1:30 बज चुके हैं, और अंकुश जो है, अंश जो है हमसे रूठ गया है क्योंकि हम लोग मेला चले गए थे, इस वजह से अंश जो है कि रूठ गया है। तो अंश के लिए भी बहुत सारा सामान लेके आए हैं, लेकिन तो हमसे रूठ गया है। गुड इवनिंग गाइस, अभी मैं ना मंदिर से आई हूँ, शाम का टाइम है, शाम को मिल रहे हैं आप सभी से। 1:30 बजे तो आए थे पूजा करके, उसके बाद आप लोग से मिले नहीं, फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत थक गई थी इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। और शाम को देखिए फिर हम गए थे शाम देने के लिए, दीपक जलाने के लिए मंदिर, और अभी आ गए घर में देख के गए थे। और अभी टाइम ना 7:15 हो रहा था, शाम को गए थे और अभी जो कि आ रहे हैं, वहाँ पे पूजा हो रही थी और भोग भी वितरण हो रहा था, तो मैं भोग भी लेके आई हूँ 1 कटोरी। खाओगे बेटा? खा लो ना। और दिन में जो खाना बनाए थे सारा खाना रखा हुआ है, इसीलिए अभी खाना नहीं बनाएंगे, भोग खाने जाओगे अंकुश? ये तो भोग खाएगा तब तो चावल बचेगा पूरा। और हम तो शिवरात्रि उपास किए हैं, हमको उसके पापा भी किए हैं, तीनों बच्चे नहीं किए हैं। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, आप सभी बताइएगा। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि।